हम हर बूथ के अंदर एक कंपटीशन करें और आने वाले 15 दिन के अंदर कर लें, 30 जनवरी के पहले कर लें। और कंपटीशन क्या हो, हमें मालूम है कि नमो ऐप पर भारतीय जनता पार्टी का एक माइक्रो डोनेशन, सूक्ष्म दान का अभियान चल रहा है। 5 रुपया भी आप पार्टी को दान दे सकते हैं। ये अपने आप में एक संस्कार भी है, संगठन की शक्ति भी है। क्या हम पोलिंग बूथों के बीच में एक स्पर्धा आयोजित कर सकते हैं कि कौन पोलिंग बूथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से माइक्रो डोनेशन करवा सकता है? 5 रुपया 10 रुपया बहुत हो गया, कोई ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं करने हैं, लोगों को जोड़ना है। मुझे विश्वास है कि आप लोग हर पोलिंग बूथ में नमो ऐप पर जाकर के 5 रुपया 10 रुपया का डोनेशन पोलिंग बूथ के अंदर अधिकतम लोगों से करवाएंगे। जरूर से दाम आप अवश्य करवाइए। एक और विषय है जो मेरे दिल को बहुत करीब है, नमो ऐप में एक कमल पुष्प की व्यवस्था है। देखिए, हम लोग जहां भी पहुंचे हैं उसके पीछे हमारे जनसंघ के जमाने के 3-3, 4-4 पीढ़ी खप गई है। राजनीति में कुछ प्राप्त नहीं किया, फिर भी वो लगे रहे, देश के लिए लगे रहे। इस कमल पुष्प में ऐसे सभी पुराने लोगों को याद कर करके उनकी फोटो, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जनसंघ के समय काम क्या किया था, भाजपा के समय क्या काम किया था, आपातकाल में कितना सहन किया था, भाजपा को आगे बढ़ाने में वो कितना कष्ट उठाते थे, ये सारी बातें उस कमल पुष्प पे हमें रखनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे काशी क्षेत्र का, जनसंघ के जमाने का भी एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जिस तक हमारी बात पहुंची न हो, हमारा उसके साथ हुआ न हो। वैसा ही आप सभी साथियों से मुझे बात करने का अवसर तो मिला ही है, इसलिए मन करता है कुछ न कुछ कहता ही रहूं। देखिए, बनारस में आजादी के अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम है, आजादी के अमृत महोत्सव को हमने बहुत बढ़ चढ़ करके मनाना चाहिए, सामान्य से सामान्य नागरिक को जोड़ना चाहिए, क्योंकि देश के प्रति स्वाभिमान, आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करने का एक मौका होता है। साथियों, हम राजनीति में हैं, चुनाव राजनीतिक दल की कसौटी होता है, राजनीति के कार्यकर्ता के विकास के लिए एक प्रकार का ये ट्रेनिंग कैंप जैसा भी होता है। चुनाव अपने आप में एक ट्रेनिंग कैंप होता है, अनेक नए लोगों को गढ़ने का एक अवसर मिलता है। अधिकतम लोगों को हम कार्यकर्ता के रूप में तैयार कर सकते हैं, तो हमारा ध्यान रहना चाहिए। चुनाव तो जीतना वो तो एक विषय होता ही है, लेकिन संगठन का विस्तार भी होना चाहिए और कार्यकर्ता का विकास भी होना चाहिए। ये चुनाव हो, कुछ भी हो, लेकिन ये दो मंत्र हमेशा हमें याद रखने चाहिए। देखिए, चुनाव का समय है, हमें लोगों को उनके एक एक वोट की ताकत भी समझानी है। मैं या योगी जी इतना कुछ इसलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि यूपी के लोगों ने अपने वोट का आशीर्वाद हमें दिया है। मुझे विश्वास है कि हमारे कर्मठ, जीवट, समर्पित, संवेदनशील कार्यकर्ता लगातार जनता के संपर्क में रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे।